व्हाट्स अप अनुदया दिस साइड एंड वेलकम बैक टू अनुदया व्लॉग्स गाइस। अभी तक जिसने मुझे इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट पे फॉलो नहीं किया है वो वहाँ जाके फॉलो करो एंड दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट सो दैट यू वोंट मिस आउट एनी अपकमिंग वीडियोज। एंड अभी तक जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोज चेकआउट नहीं करी हैं गाइस प्लीज़ गो एंड वॉच आउट दोज वीडियोज क्योंकि उसमें आपके बहुत डाउट्स क्लियर होंगे एंड बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, कहीं से भी स्किप मत करना। इस वीडियो को भी कहीं से भी स्किप मत करना एंड लेट्स टॉक अबाउट टुडेज़ वीडियो गाइस। क्लियरली बता रही हूँ, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी से मेरा COE विड्रॉल का ईमेल आया है। जैसे ही मैंने वो मेल देखा गाइस, आई वॉज शॉक्ड कि भाई इतनी मुश्किल से एडमिशन हुआ है, फ़ी पे कर दी एंड वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च कर दी, अब इन्होंने COE विड्रॉल का मुझे ईमेल भेजा है। बट थैंक यू टू माय सब्सक्राइबर्स, इंस्टेंटली उनके भी मैसेज आए मेरे पास कि हमें भी ये ईमेल आया है। देन गाइस मुझे ये हुआ कि चलो सबके पास गया है, अकेली मैं वो बंदी नहीं हूँ कि जो सिर्फ ये मेरे पास आया है। तो पहले मैं ये ईमेल पढ़ देती हूँ और उसके बाद फिर आगे बताती हूँ कि इस ईमेल का करना क्या है। गाइस ये सिर्फ स्विनबर्न यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये हर यूनिवर्सिटी का ऐसे है। तो जो चीज़ मैं बताऊँगी वो पहले ये ईमेल पढ़ दूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। सो गाइस यू कैन ऑल्सो रीड दिस ईमेल ऑन योर स्क्रीन्स, सो हियर आई गो। डियर अनु, we are excited to have you join us in 2024 at Swinburne University. As you have already been provided with your confirmation of enrollment, we are writing to inquire about the status of your student visa application. Guys, मेरी COE 27th November को आ गई थी, so I think कितने दिन हुए, 15 दिन, 16, 17, 18, 18 days हो गए हैं COE आए। And please reply to this email to provide evidence of your student visa lodgement. If we do not hear from you by 5 p.m. Australian Eastern Standard Times, 20th December 2023 with the requested information, we will assume that you have not yet begun your student visa application process and we may withdraw your COE until such a time that you are ready to lodge your visa application. Yours sincerely, Swinburne International Admission. गाइस आई थिंक बहुत सारे लोगों को समझ आ गया होगा एंड जिसको समझ नहीं आया, बेसिकली उनका कहने का मतलब ये था कि हमने आपको COE इशू कर दिया है बट अभी तक आपने अपना जो वीज़ा का है प्रूफ वो हमें नहीं भेजा है। अब मैं बताती हूँ उन्होंने ये ईमेल क्यों भेजा। लोग अभी भी ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं बट सीट्स फुल हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट इन ऑल द केसेस, कम्प्लीटली नहीं, ऑलमोस्ट सीट्स फुल हो गई हैं बट स्टिल जितनी सीट्स हैं उससे ज़्यादा ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई हो रहा है। अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे गाइस COE लेने के बाद किसी की सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाता, किसी की प्रॉब्लम कुछ हो जाती है, कोई किसी की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो अपना इनटेक डेफर करवा लेते हैं एंड किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ल आ जाता है। तो इसीलिए बच्चे उनकी जो सीट्स हैं, जो रिक्वायर्ड सीट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाती, इसलिए वो कंफर्मेशन मांगते हैं कि या तो हमें अपने वीज़ा का एप्लीकेशन स्टेटस बताओ या फिर अगर आपने ये चीज़ हमें नहीं भेजी तो हम आपकी COE विड्रॉ कर लेंगे, COE कैंसिल कर देंगे। सो प्लीज़ 20th दिसंबर तक हमें आपका प्रूफ चाहिए। अब प्रूफ में आपको क्या देना होता है, अगर गाइस आपका जैसे आपने वीज़ा फाइल कर दिए, ठीक है, अब उसमें जो आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है, एम्बेसी फ़ी रिसीट होती है, वो आपको सेंड करनी होती है। अभी तक जिसने अगर अपनी वीज़ा फाइल लॉन्च नहीं करी है, सिर्फ स्विनबर्न यूनिवर्सिटी वाले बच्चे ही नहीं, चाहे कोई भी हो, जल्दी से जल्दी अपनी फ़ाइल लॉन्च करो क्योंकि अभी टाइम लग रहा है, कम से कम एक महीने में वीज़ाज आ रहे हैं गाइस। वो लकी बंदे अलग है जिनका इंस्टेंटली आ जाता है, ऑटो ग्रांट आ जाता है या विद इन अ वीक आ जाता है, बट मेजॉरिटी गाइस 1 month लग रहा है, एटलीस्ट 20 days तो लग ही रहे हैं, ठीक है। तो अपनी जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी फाइल लॉन्च करो एंड जिसकी भी ये ईमेल आई है आप अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप उनके पास भेजो एज अ प्रूफ। 20th से पहले कर देना, बाद में करोगे कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो फिर मत बोलना कि दीदी आपने बताया नहीं। अब जो मेन क्वेश्चन है गाइस, बहुत सारा इंस्टाग्राम पे भी आ रहा है, कमेंट्स में भी आ रहा है कि मैंने अपनी फ़ाइल कब लॉन्च करी थी।
मैंने अपनी फाइल 5th दिसंबर को लॉन्च करी थी, आई थिंक अब सबको पता चल गया होगा। एंड गाइस, जिसके वीज़ा, जिसने अपनी फाइल दिसंबर में लॉन्च करी है, अगर उनके वीज़ाज आ गए हैं या आ रहे हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट हमें भी एक रे ऑफ होप मिले कि दिसंबर वालों के भी वीज़ाज आ रहे हैं। बाकी अभी शायद एंड ऑफ नवंबर जिसने लॉन्च की थी 28th, 29th, 30th, अभी उन्हीं के वीज़ा आ रहे हैं। एंड आई थिंक नेक्स्ट वीक, वरना उसे नेक्स्ट वीक में तो हमारा आउटकम आ ही जाएगा, या तो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। बट डोंट बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव गाइस। ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बी पॉजिटिव, हैव पेशेंस, धीरे धीरे हो जाएगा। और यूनिवर्सिटीज़ अब उनकी ब्रेक्स हो गए, उनका तो समर ब्रेक यही है, तो उनका ब्रेक हो गया है। हो सकता है ना गाइस, अभी तक 20th तक जितना जल्दी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो ना COE के लिए, तो कर दो, और डिले मत करो, वरना फिर आपको न्यू ईयर के बाद ही करना पड़ेगा। न्यू ईयर तक उनकी हॉलीडेज चलेंगी। एंड या दैट्स इट। If you liked my video, then give it a thumbs up, share and subscribe my channel. If you want me to make the videos on the topic of your choice, then also do let me know in the comment section. Be positive, have patience. We'll see you guys in next video. Till then, take care and stay happy.